सेवेंथ, आज हम एक्सरसाइज 2.7 शुरू कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर वन कन्वर्सन का है। इसमें 35 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, यूनिट बदलना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं इसको। इसमें आपको ये जो है ना, ये यूनिट मिली सेंटी डेसी मीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये यूनिट याद होना चाहिए। टेबल एक, ठीक है ना, और हर एक यूनिट एक दूसरे से 10-10 गुना बड़ा है। मिली जो है सबसे छोटा है, फिर सेंटी उससे 10 गुना बड़ा है, फिर डेसी उससे 10 गुना बड़ा है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं इसको, मैं आपको समझा देता हूँ नीचे। क्वेश्चन नंबर वन, तो फर्स्ट 35 मीटर इंटू किलोमीटर। अब देखो, अब मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो ये मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर आप देखोगे वही टेबल के हिसाब से, तो देखो कहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये है, ये यूनिट बेस यूनिट ये रही है, यहाँ पे मीटर है। यहाँ से एक जंप में आप डेका में पहुँचोगे, दूसरा जंप में हेक्टो में, और तीसरा जंप में किलोमीटर में पहुँचोगे। तीन जंप है, यानी कि 10 × 10 × 10 थाउजेंड का, थाउजेंड यानी कि 1000 टाइम्स बड़ा है ये, यानी कि 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर है। किलोमीटर मीटर में इतना फ़र्क है, किलोमीटर मीटर से 1000 टाइम्स बड़ा है ये। जैसे राइट साइड में जाओगे ना, अब इस साइड में जाओगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाती है 10-10 गुना। ये लेफ्ट साइड में जाओगे तो, ये लेफ्ट माना है, इसको लेफ्ट मान लेते हैं, लेफ्ट साइड में जाओगे तो वैल्यू 10-10 गुना बढ़ेगी। तो यानी कि किलोमीटर मीटर से 1000 गुना बड़ा है। इससे हमें अब, ठीक है, तो हमें क्या करना है देख लो। यहाँ पे यूनिट छोटा है, मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हो, छोटा यूनिट को बड़े यूनिट में बदल रहे हो, तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। यूनिट बड़ा हो जाएगा, बोलते ना यूनिट यूनिट बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू डाउन होगी। तो यानी कि डिवाइड करना है, वैल्यू डाउन कैसे होती है, डिवाइड करने से। तो आपको 35 मीटर को डिवाइड करना है 1000 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो अब ये किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये याद करना है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट, अब ये सिखाया गया था 1000 में 3 जीरो है, तो 35 भी आंसर आएगा, क्योंकि 35 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1000 में 1 ही है, तो इसके वैल्यू चेंज नहीं होगा, 35 आएगा, लेकिन 3 जीरो के चक्कर में पॉइंट शिफ्ट करेगा, 1-2 जीरो के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ 0, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पॉइंट तो यहाँ पर था, तो 3 डिजिट को क्रॉस किया, 5 को क्रॉस किया, 3 को क्रॉस किया, 0 को क्रॉस किया, फिर पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये आपका आंसर आ गया किलोमीटर में। इस तरह से हमें करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अब एक मीट, अब मैं आपको एक करता हूँ, लास्ट बता देता हूँ, 30.72 डेसीमीटर को मीटर में बदलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेसीमीटर को मीटर में कितना फ़र्क है, डेसीमीटर मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो, डेसीमीटर को मीटर में बदलना है, मीटर तो ही है, ठीक है। अब मैं पहले मिटा देता हूँ, ठीक। अब देखो, डेसीमीटर ये है और मीटर यहाँ पे है, ये मीटर यूनिट है, बेस यूनिट है। तो डेसीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 10 गुना का फ़र्क है, मीटर डेसीमीटर से 10 गुना बड़ा है। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि मीटर और डेसीमीटर में के बीच में खाली एक डिफरेंस का, एक जंप का फ़र्क है, 1 स्टेप अहेड। तो मीटर डेसीमीटर से एक स्टेप का ही फ़र्क है, तो यानी कि 10 गुना ही बड़ा है। अब मैं आगे चलता हूँ, बेस यूनिट को मीटर मानेंगे। बेस यूनिट को आप कुछ ही मान सकते हो, मीटर मान सकते हो, ग्राम मान सकते हो, लीटर मान सकते हो, या अगर लिक्विड की बात हो रही है लीटर, सॉलिड की बात हो रही है तो केजी के हिसाब से कर सकते हो, डिस्टेंस की बात हो तो मीटर मान सकते हो। बेस यूनिट बदलता रहता है, ये जो बेस यूनिट है, ठीक है ना। तो बेस यूनिट में हम ये मीटर बिठा देंगे, तो ये डेसीमीटर हो जाएगा, ये डेसीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ये मिलीमीटर हो जाएगा, इस तरह से होता रहता है, ठीक है ना, किलोमीटर हो जाएगा। तो बेस यूनिट में जो भी बैठाओगे सारे के सारे वैसे हो जाएंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर हो जाएगा, ये हेक्टोमीटर हो जाएगा, इस तरह से होता है, डेकामीटर मीटर, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अभी हम डेसीमीटर और बेस यूनिट के बीच में 10 का फर्क है, तो हम 10 इसको ध्यान रखेंगे और आगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है 35.72
पॉइंट 72 डेसीमीटर, तो डीएम बोलते हैं, इनटू मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये 10 का फर्क है, मीटर डेसीमीटर से बड़ा है, ठीक है। तो यूनिट को आप बड़ा कर रहे हो, यानी कि फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। डीएम छोटा है, एम बड़ा है, तो आप यूनिट को बड़ा कर रहे हो तो वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो यानी कि डिवाइड हो गया यहाँ पर। डीएम मीटर से 10 गुना बड़ा है, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 35.72 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीटर डेसीमीटर से बड़ा है। मैंने आपको दिखाया था टेबल, टेबल को हिसाब से कर लें, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 dm, मीटर बड़ा है, बड़ा यूनिट अगर बड़ा कर रहे हो, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदल रहे हो, तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3572 ऐसा रहने वाला है। पॉइंट यहाँ पे था, अब पॉइंट एक जम करके डिवाइड में लेफ्ट साइड में भागता है, तो पॉइंट यहाँ 3 और 5 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, और इसको हम मिटा देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आपका आंसर आ चुका है इसमें मीटर में, ये आंसर हो गया, ठीक है, इसका समय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो ये सब यूनिट के हेल्प से, सारा काम टेबल के हेल्प से होता है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में केजी को मिलीग्राम में बदलना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही करते हैं, तो देखते हैं केजी को मिलीग्राम में कितना फ़र्क है। तो आप देख लो यहाँ पे केजी और मिलीग्राम में कितना का फ़र्क है। तो मैं आपको दूसरा एक टेबल दिखा देता हूँ, यहाँ पे और एक टेबल है, यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम बेस यूनिट को अगर हम जी मान लें, तो सर डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, तो किलोग्राम से मिलीग्राम में कितना का फ़र्क है, एक जंप। यहाँ से एक जंप, दो जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप, 6 जंप, यानी कि 6-0, 1 followed by 6-0, इतना गुना बड़ा है, ठीक है। तो आपको इससे, तो केजी को हमें मिलीग्राम बदलें, तो 1 followed by 6 0, 1 10 100 1000 10 10 lakh टाइम्स बड़ा है। तो अब मैं हमें इससे मल्टी लगाना पड़ेगा, तो आप सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे चलते हैं, तो 1, तो आपको 6 जंप है ना, 6-0 लगेगा, 1 के साथ 6-0 लगेगा, ठीक है ना, इससे मल्टी लगाना पड़ेगा, तो बड़ा नंबर है। अब करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर, तो जितना जंप होगा उतना ही 0 लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 9.38 केजी को हमें बदलना है इनटू मिलीग्राम, तो करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट बड़ा है और यूनिट छोटा है, तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 9. इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, 9.38 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 followed by 6 0, 1 2 3 4 5 6, ये मिलीग्राम में आ जाएगा, ठीक है ना, मिलीग्राम, mg लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मिलीग्राम में, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस साइड में शिफ्ट करेगा, तो 9380 आने वाला है आंसर, लेकिन पॉइंट शिफ्ट होते हुए, पॉइंट कितना डिजिट क्रॉस करेगा, 1 2 6 0 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट क्रॉस करेगा, 2 डिजिट तो इधर ही हो गया, 3 और 8 2 डिजिट हो गया, तो और 4 0 लगेंगे, लगा दो 1 2 3 4, तो 6 डिजिट को क्रॉस करते, 1 2 3 4 5 6 डिजिट को क्रॉस करके पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ चुका है, और ये मिलीग्राम में आंसर आ गया, आंसर, ठीक है। इस तरह से ये बड़ा, तो वैल्यू बढ़ी गई, बढ़ गई, तो यूनिट छोटा हो गया तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ये आप ध्यान दें। यहाँ पे केजी बड़ा यूनिट था, मिलीग्राम छोटा यूनिट है, तो बड़े यूनिट को छोटा यूनिट बदलने के लिए वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, तो यूनिट बड़ा छोटा हुआ तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और यूनिट बड़ा करोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, यही दोनों में फ़र्क है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बाकी आप कर सकते हो टेबल के हिसाब से, आराम से, कितना का डिफरेंस है उसके हिसाब से, कितना स्टेप हेड है, दोनों में कितनी की दूरी, और किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एक और देख लो, देखो यहाँ पे 2 में मिलीग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, किलोमीटर, कुछ भी हो, मिलीमीटर, डेकामीटर, सारे कर सकते हो आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
जैसे फोर्थ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ, या कुछ एक ही बात है बेटा, ये सब कर लोगे आप। मैं होमवर्क में दे देता हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसमें कोई अगर मिलीमीटर को डेकामीटर में करना है, जैसे क्वेश्चन फोर्थ है, हम देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ मिलीमीटर को डेकामीटर में करना है तो किससे मीटर करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो टेबल में चलते हैं, मिलीमीटर डेकामीटर, तो देखो मिलीमीटर कहाँ पे है, ये है मिलीमीटर, और डेकामीटर ये है डेकामीटर, ठीक है, मिलीमीटर डेकामीटर में कितने का फर्क है, ये बेस यूनिट मीटर रहेगा, डेकामीटर ये है मिलीमीटर, तो एक जंप, दो जंप, तीन जंप, चार जंप में आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना, चार की दूरी है, फोर स्टेप्स की दूरी है, यानी 4-0 लगेगा आपको, ठीक है, 4-0, यानी कि देख वैल्यू के हिसाब से बताया जाए तो 10,000 टाइम्स बड़ा है डेका मीटर मिलीमीटर से, 10,000 गुना बड़ा है, 10,000 टाइम्स बिगो डेका जो यूनिट है मिलीमीटर से 10,000 गुना बड़ा है, तो हमें 10,000 से या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड होता है दोनों में। अब क्या कर रहे हैं, डेका को मिलीमीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई, और मिलीमीटर को डेका मीटर में बदलना है तो डिवाइड होता है, क्योंकि मिलीमीटर छोटा है बड़ा यूनिट में बदल रहे हो, ठीक है, तो इसको करते हैं, तो ये आप खुद कर लेना, ये तो इजी है बेटा कहा जाए, ठीक है ना, तो मिलीमीटर को डेका मीटर में बदलना है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, क्योंकि मेरे छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदल रहे, तो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे आप, ये खुद करना ट्राई करना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में अब मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री, लीटर डेसीलीटर, अब मैं एक करता हूँ बाकी सब ईजी है, वैसे ही सेम, या डेसीलीटर को मिलीलीटर में बदलो, एक ही बात है, तो मैं ऐसा करता हूँ फोर्थ कर लेता हूँ, थ्री का फोर्थ इस बार, तो दोनों यूनिट थोड़ा सा मेन यूनिट से दूर है, तो फोर्थ करता हूँ, थ्री का फोर्थ, ठीक है, मैं फोर्थ बता देता हूँ, तो बाकी आप ट्राई करना क्वेश्चन नंबर थ्री का फोर्थ, 72 डेसी लीटर इंटू मिली लीटर में बदलना है, तो डेसी लीटर मिली लीटर में कितनी की दूरी है हम देख लेते हैं टेबल के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल, टेबल देखते हुए आराम से समझ में आ जाएगा आपको, लीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे के सारे लीटर हो जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लीटर हो जाएंगे, किलो लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लीटर, बेस लीटर हो जाए, यूनिट लीटर हो गया, तो डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिली लीटर, अब हमें डेसी लीटर को मिली लीटर बदलना है, डेसी लीटर ये है मिली लीटर ये है, तो यहाँ पे कितना जंप है, तो मैं आपको दिखा दूँ, डेसीलीटर से एक जंप यहाँ पे आ गया और दो जंप में आप पहुँच जाओगे, यानी कि 2-0 लगेगा, 100 गुना बड़ा है, इसका मतलब समझ में आ गया आपको, ये डेसीलीटर जो मिलीलीटर से 100 टाइम्स बिगर, ठीक है ना, तो 100 से या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, तो डेसीलीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो यहाँ डेसीलीटर बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में बदल रहे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप करते हैं, आपने देख लिया होगा ध्यान से, यहाँ पे टेबल के हिसाब से आप कर लेना डेसीलीटर, सेंटीलीटर, फिर मिलीलीटर, तो 2 स्टेप में आप पहुँच जाओगे तो 2-0 लगेगा, 100 आने के, ठीक है, अब करते हैं, शुरू करते हैं, दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू 72 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है, क्योंकि वन डी एल जो है इक्वल होता है 100 मिलीलीटर के बराबर, ठीक है, इसीलिए तो 1 DL 100 मिलीलीटर के बराबर है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में बदल रहे हो तो यूनिट छोटा हो रहा है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई होना है, वैल्यू कैसे बढ़ती है, मल्टीप्लाई कैसे बढ़ती है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 100 मिलीलीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो इस तरह से करना है, बाकी आप प्रैक्टिस करना ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है, आज के लिए इतना ही।